हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है सेंस लर्नर में। दोस्तों, इस वीडियो को देखने से पहले आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, है ना, सेंस लर्न, ठीक है, @senslearnpdf आपको यहीं से मिलेगी, ठीक है। तो दोस्तों, हम बात करना चाहते हैं कि GDS ग्राम डाक सेवक, जिसकी फाइनल रिजल्ट आ गया है दोस्तों, इसने मेरिट बन चुका है और इसका रिजल्ट आ चुका है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो GDS का जो रिजल्ट आया है, तो इसमें सबसे पहले आपको क्या करना होगा, तो हम चलते हैं गूगल पे, उसके बाद GDS में का साइट में चलते हैं और रिजल्ट देखते हैं। तो देखते हैं हम जो GDS की बहाली का रिजल्ट आ गया है, ठीक है। सबसे पहले करेंगे क्या, हम गूगल में जाएंगे, गूगल टाइप करेंगे ठीक है। गूगल टाइप करने के बाद मेरा गूगल साइट ओपन हो जाएगा। उसके बाद हमको यहाँ पर लिखना है GDS इंडिया GDS, उसके बाद आप इसे सर्च कर दें, आपका ऑफिशियल वेबसाइट में आपको ये डायरेक्ट ले जाएगा, ठीक है। इंडिया पोस्ट GDS ऑनलाइन, इस तरह से यहाँ पर खुलेगा। और उसके बाद आप देखिए यहाँ पर न्यू दिया हुआ है, देखिए न्यू असम उत्तराखंड सर्कल शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट लिस्ट फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन इज रिलीज, देखिए रिलीज्ड कर दिया गया है। सबसे पहले करना क्या पड़ेगा, हमको यहाँ पर देखना है शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट, तो असम और उत्तराखंड का दे रहा है, ठीक है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, असम को क्लिक करते हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पर देखिए शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन बाय द रिस्पेक्टिव डिवीजन हेड इन कनेक्शन विद GDS ऑनलाइन एंगेजमेंट साइकिल फॉर असम सर्कल, मीन्स असम सर्कल के लिए रिजल्ट निकाल दिया गया है, ठीक है। तो देखिए क्या क्या है, सीरियल वाइज में दिया है, डिवीजन चचर से दिया गया है, देखिए रजिस्ट्रेशन नंबर जिनका भी ये है उनका सिलेक्शन यहाँ पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए हो गया है। अब्दुल हनीफ मजर बुहिया, ठीक है, उनका मेल EWS कम्युनिटी से है। देखिए आपका जो डॉक्यूमेंट वेरीफाइड किया जाएगा ना SSP चहर असम से, है ना, SSP से आपको क्या करना पड़ेगा, वेरीफाइड कराना पड़ेगा। और यहाँ पर बोला गया है ना, द लिस्टेड कैंडिडेट गेट देयर डॉक्यूमेंट वेरीफाइड बाय मेंशन डिवीजन हेड, हाँ इससे पहले आपको मतलब बोला गया है जो डॉक्यूमेंट आपका है उसको 30/6/2022 से पहले पहले करा लेना है, ये डायरेक्ट यहाँ पर बोल दिया गया है, ठीक है। इसी तरह से देखिए आपका जो PDF दिया है, देखिए कितना का निकाला है मेरा, हमारा देखिए सब अलग अलग कैटेगरी का सबका एक साथ निकाला, ST SC OBC जनरल सबका निकाला हुआ है ना। तो इस तरह से आप भी अपना चेक कर सकते हैं, ठीक है। देखिए कहाँ तक निकाला है, कितना निकाला है, देखें इतना निकाला है। लेकिन इसमें एक सबसे बड़ा फॉल्ट है कि ये कट ऑफ नहीं निकाला है, कट ऑफ इसका एकदम निकालना था, क्योंकि हर एक स्टूडेंट आकलन कर सकता था कि उसका मार्क्स कितना आया है और कितना नंबर उन्होंने लाया है, कितना नंबर से वो छूट रहे हैं, हर एक चीज़ का वो आकलन कर सकता था, लेकिन यहाँ पर कट ऑफ नहीं निकाला गया है। देखिए सबसे पहले क्या किया है कि 1138 मतलब इस लिस्ट में है और ये लिस्ट वन है असम के लिए, ठीक है। उसके बाद क्या बोला है, देखिए फिर बोला है SMS ईमेल विल बी सेंड टू द रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर एड्रेस, हाउ एवर डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर नॉन रिसीव ऑफ द SMS ईमेल ड्यू टू टेक्निकल रीजन, बोला गया है कि आपको क्या करेगा, SMS और ईमेल से रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर भेजा जाएगा आपका एड्रेस में, ठीक है। अगर कोई ऐसा नहीं आता है, अगर आप रिसीव नहीं कर पाते हो SMS चाहे ईमेल को, तो ये GDS की कोई गलती नहीं होगी और आपको पता है 15/11/2022 से पहले पहले आपका सिलेक्शन यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। ये तो
ये तो हमारा आसाम के लिए था। अब हम लोग चलते हैं तो आपने देखा पीडीएफ किस तरह से आया हुआ है उसके साइट में। तो सबसे पहले यहां पर हम बताना चाहते हैं कि उसमें कटअप मेंशन नहीं किया है। क्यों कटअप मेंशन नहीं किया है? कटअप चाहिए, मेंशन एकदम होना चाहिए, क्योंकि एक स्टूडेंट को पता चल सकता है कि हम कितना नंबर से छूट गए। अगर आप सिर्फ पीडीएफ दे दे रहे हो, ठीक है, इससे तो हमको नहीं पता चलेगा ना किसका कितना नंबर आया है, ये पता हो ही नहीं सकता है। हम अगर मान लीजिए मेरा ही अगर मान ले कोई अप्लाई कर दिया, कोई स्टूडेंट, उसका मान लीजिए 90% है, ठीक है, और सपोज उसका रिजल्ट नहीं आया, ठीक है, तो ये गारंटी नहीं है कि ये 91 वाला का आया कि नहीं आया, ये तो नहीं पता कर सकते हैं हम। 92 वाला का आया कि नहीं आया, कि 95 और 100 के बीच वाला का सिर्फ आया है कटअप, है ना, ये भी गारंटी नहीं है। तो अगर जिन जिन कैंडिडेट का अगर आपका सिलेक्शन वार्ड बीबी के लिए कॉल किया गया है तो उसके सामने कटअप लिख देना चाहिए जितना भी आया है। तो देखा गया है कि कुछ कुछ बहुत सारे स्टेट में पहले भी इस तरह के एग्जाम हुए हैं, उसमें कटअप दिया गया था, तो हो सके कटअप जारी कर सकता है बाद में। लेकिन जैसे झारखंड जीडीएस का हुआ था एग्जाम, तो उस समय कटअप जारी किया गया था, लेकिन कटअप बहुत हाई गया था, 97%, 96%, 85%, 85%, है ना। फिर उड़ीसा का हुआ था, उसमें 85%, किसी का कोई कोई कैटेगरी का तो आपका 86, 87 इस तरह में हुआ था, लेकिन झारखंड में जितने भी हुए थे सब में वेरी हाई कटअप था, एकदम 95%, 96%, 91%, 92% इस तरह का कटअप देखा गया था, ठीक है। तो आसाम और उत्तराखंड का आया है, इसमें बोला गया है कि जो भी डीबी है उसको जल्द से जल्द 30 तारीख से पहले पहले क्लियर करा लेना है, ठीक है। कहीं पर एसपी, देखिए आसाम में एसएसपी और एसपी से आपका क्या होना चाहिए, वेरीफाई होना चाहिए, मैंने वहां पर बता चुका है, ठीक है, और उत्तराखंड का भी सर्कल से आ चुका है तो उसका भी आप वेरीफाई करा लोगे 30/6/2022 से पहले पहले। तो यहां पर सबसे पहले एक ही चीज मुद्दा आता है कि कटअप क्यों जारी नहीं किया गया। कटअप अगर जारी नहीं कर रहे हो तो स्टूडेंट को इससे क्या लगता है? स्टूडेंट को लगता है कि कहीं ना कहीं यहां पर भी स्कैम हो रहा है, कटअप आप जारी कीजिए। आई रिक्वेस्ट टू जीडीएस डिपार्टमेंट, प्लीज पब्लिश कटअप, ठीक है। अगर कटअप जारी नहीं करता है तो जिन स्टूडेंटों का आ गया है रिजल्ट, आ गया है, जिनका नाम आ गया है, वो कमेंट करके बता सकते हैं कि कितना कितना आपका नंबर था तो आपका सिलेक्शन हुआ है, आप तो बता ही सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से जो भी यहां पर रिजल्ट आया है उसको मानिए, और आगे चल के आपको अदर स्टेट का भी रिजल्ट जल्द से जल्द आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो चलिए चैनल पे बने रहिए, थैंक यू। और अगर इस बार नहीं हुआ तो अगला जीडीएस का इंतजार कीजिए, उसमें आपको डेफिनेटली होने वाला है, ठीक है। चलिए, थैंक यू।